मेरी वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों मेरी प्यार भरी राम राम। एक नई वीडियो, एक नई उम्मीद, एक नई सोच के सागे मैं फिर हाजिर हूँ। आज आप वीडियो में बनाना सीखांगा पेड़, हाउ टू ड्रॉ ए ट्री। पिंग अंदर आप कलरिंग भी करांगा, बिंगो प्रोसेस भी मैं थाने बताऊंगा कि कलर कुकर करना है बिन बनानो कुकर है। तो सारों पहले थाने मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो आप लाइट लाइन, हल्की लाइन हूँ शुरुआत करी कर रहा भी हूँ मैं पेड़ शुरुआत करूँगा। इन तरीकों से कोई भी पेड़ बना सको, ठीक है। तो सारों पहले आप एक हल्की ड्राइंग करांगा, मतलब जिन रफ स्केच बोला वो अपन तैयार करना है, ठीक है। रफ स्केच क्या है कि थारो जो चित्र है वो परफेक्ट बनेगा, और अगर कोई गलती हुए तो वो जब आप गहरी लाइन लगावा वो भी मैं दूर हो जाए, ताकि अपन इरेजर कम यूज़ करना पड़े, रबड़ कम यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो मैं हल्की लाइन लगा दी, अभी के बाद में जो गहरी लाइन है बाहू में ही पेड़ ने बनाने लग रही हूँ। थे देख सको उतने दिखाई देने लग रही है जो मैं गहरी लाइन लगाऊँ भाई जड़ तना, ठीक है। अभी ऊपर को जो पत्ता रो भाग है वो बना चाहें। तो यहीं करके थे कोई भी पेड़ है, कोई भी झोपड़ी है, कोई भी फ्रूट है, फल है, सब्जी है, वेजिटेबल है, कुछ भी चीज़ थे बना उसको। पर पहले भी खातर थाने हल्की लाइन लगानी पड़ेगी, बिन एक रफ स्केच बोले वो करना बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। वो अपनों पेंसिल हूँ पेड़ बन के तैयार है। इन बाद में आप इन्हें जो ब्लैक स्केच है या ब्लैक मार्कर है भी उन थे इन्हें आउटलाइन दे दो। आ वीडियो बाँ टाबरा खतर है, ठीक है, जो शुरुआत करे या जो छोटा टाबर है जन ट्री कौन भी बनाना है, पेड़ कौन भी बनाना है, अब बाँ खतर है। और दूसरे जिन आवे वो भी अगर इन देखेगा तो कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ओ थे देख सको इन अंदर ब्लैक जो स्केच पेन है या ब्लैक मार्कर है भी हूँ, जो आउटलाइन है बा में ही पेड़ की कर दी है। और इन बाद में ही पेड़ ने थे देख सको भी कितो बढ़िया दिखने लग रहे है, ठीक है। वो सब कुछ करके फिर अपन के करना है रबड़ों जो इन अंदर हल्की लाइना गहरी लाइन है वह अपन ने मिटोनी है, इरेजर अपन लाइना रिमूव करना है, ताकि जो अपनो पेपर है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए। इन बाद में आप इन्हें कलर को जो प्रोसेस है, ठीक है, कलर करने को जो तरीका है वो करांगा। सारों पहले आप इन अंदर हल्का रंग करांगा, हल्का रंग खातर जी अपन हरे रंग करना है तो भी सारों पहले आप हल्को पीलो रंग पहले सारा वो जो दरखत है पेड़ है इन अंदर आप कर देंगे। तो देख सको कि मैं वो हल्को रंग कर दिया है। यही थे पेंसिलों भी हल्की करो फिर बिन गहरी करो, भी यही रंगा को काम है। पहले आप हल्का रंग करांगा, ठीक है, खटे अपन हल्की टोन दिखानी है, मतलब लाइट शेड दिखानी है, डार्क शेड दिखानी है, वह चीज़ आप इमा कर सका। वो अपने जो पेड़ के ऊपर इससे वो तैयार है। इन बाद में जो तनु है, ठीक है, जो ब्रांचेस है, ठीक है, वह चीज़ें आप बनावांगा। अभी खातर आप हल्को भूरो रंग लेंगा पहली ब्राउन कलर, ठीक है, बिन धीरे 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 आप अप्लाई करांगा लगावांगा। जिटा अपन लाइट सी है बैठा है पेपर को जो वाइट हिस्सा है बिना आप छोड़ देंगे, ताकि अपन बा बटन वाइट दिखाई दे या लाइट दिखाई दे जो हाई लाइट हुए। धीरे धीरे जो मेरा पेड़ है वो कंप्लीट होने लग रहे थे देख सको। इन तरीकों थे जो भी पेड़ है वह बना सको लाइव। बहुत सारा पेड़ हुआ, मतलब आप गिन गौन का इतना पेड़ हुआ अपने सामने, अलग अलग तरियांगा सफ़ेद गो, बड़गो, विंपल गो, नीम गो, बहुत सारा पौधा है। और बन अपन देखना लाइव बहुत सारा पौधा दिख जाए अपन, बंग अपन नाम भी कौन बेरो है तो बंग नाम देखो थे फिर बन थोड़ी स्टडी करो, बंग स्केच बनाओ भी बाद में थे ये चीज़ा बहुत आराम कर पाओगा। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थाने करनी पड़ेगी ये चीज़ खातर। तो जी आप येलो कलर करो, पीलो रंग करो, बिंग बाद में आप हल्को हरे रंग करांगा, फिर बिंग बाद में गहरो हरे रंग करांगा। ये है
परत दर परत अपनों काम करना है। इसो काम करना है तो थाने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कह दो भी हाँ मैं देखियो देखते ही बना देंगा, जिन आवे भी अलग बात है, जो सीखे बिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस को मतलब वो है भी थे बारह निकलो, ठीक है, बारह निकलो तो खटी थन पेड़ दिखे, गाड़ी दिखे, साइकिल दिखे, आदमी चलता दिखे, या सब्जी मंडी है, बाजार है, कोई भी चीज़ है, बिन बैठे बैठो स्केचबुक करना रखो, पहले स्केच करो हल्का हल्का, ठीक है, फिर बाद में तारी जो स्केचिंग है वह इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऐ तो टाबरा खतर है, जो छोटा टाबर हुआ है बाँ खतर वो पेड़ बनाए हुए हैं, बाँ खतर वो कलर करने को जो तरीको वो बताए हुए कि ताकि वह पेड़ अच्छे से बना सके, बनने चीज़ में दिक्कत ना आवे। और मैं उम्मीद करूँ भी मेरी वीडियो थाने ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर सीखने मिलेगा, और इन उम्मीद के साथ मैं डेली रोज़ाना वीडियो बनाऊँ ताकि थाने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिले। अब आपने जो गहरी रंगी जो टोन है वह पाई दरखत गए पेड़ गए जो तनों में भी अंदर आप लगाने लग रहे हैं, ताकि अपन भाई दिखाई दे कि दरखत जो अपनों वो खटी मुड़ेड़ो है, खटी उठेड़ो है, आ सारी चीज़ आपने दरखत के अंदर दिखानी है। यदि जो अपना दरखत है वो एक 3D 3 आयामी चित्र बनेगो, ठीक है, वो भ्रम पैदा होगा। और वो ही चित्रकार खातर सब बड़ी ज़रूरी चीज़ हुआ है कि वो जो 3 आयामी या 3D इफेक्ट हुआ है, वो जो भ्रम है वो पैदा कर सके, ठीक है। इन बाद में आप जो ज़मीन है, जो जगह है, जो धरातल है, जो बेस है, वो बनावांगा भी खातर भी आप पहले हल्का रंग लगा के फिर गहरा रंग लगावांगा। जी हाँ, धरती और जिया रंग हुए बहुत चीज़ थे करने की कोशिश करो, क्योंकि जटा पेड़ होगा बैठे थे देखियो हल्कड़ को गहरो हरे रंग हो, और या माटी को रंग हो थोड़ा थोड़ा मतलब लाल लाल पीलो पीलो कुछ ही हिसाब रवा, वो चीज़ थे देखोगा तो थाना पता चल जाएगा। अब थे देख सको जो जड़गो हिस्सो है वो मतलब कि तो बढ़िया लागे, तो जी हाँ जड़ बढ़िया लागन लाग रही है भी, यहीं ऊपर को जो हिस्सो है वो भी अपन इसो ही दिखाई देगा, ठीक है। तो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं, शुरुआत की चीज़ें हैं, ए जरूरी हो सीखनी। अगर अपन ए चीज़ें आवेगी भी बाद में ही आप परफेक्ट पेंटिंग कर सका, परफेक्ट कलरिंग कर सका। तो जो हर चीज़ को एक स्टेप हुआ है, ठीक है, तो अपन पहले छोटे स्टेप पर चढ़ना पड़े, फिर बड़े पर, फिर बड़े पर ये चलना पड़े। तो ए जो भी मैं अभी वीडियो बनाने ला रही हूँ लगभग मेरी बेसिक ड्राइंग ऊपर वीडियोज़ है, मतलब ज़्यादातर टाबरा खातर है और जो शुरुआत करे बाँ खातर है, क्योंकि मैं मेरी वीडियो के अंदर शुरुआत हूँ सारी चीज़ें सिखाने लग रहा हूँ, ठीक है। मैं एकदम ही थन पोर्ट्रेट बनाना या पेंटिंग बनाना कौन सी खाने लग रहा हूँ, तो धीरे 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 आप बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखांगा, चाहे वह बड़ी है चाहे छोटी है, पर शुरुआत थाने ये ही करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ डेली छोटो मोटो थाने बनाना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली स्केचिंग करनी पड़ेगी, भी बाद में थारी जो ड्राइंग है वह अपने आप इम्प्रूव होगी। मैं थाना हमेशा कहूँ भी लगभग 3 या 4 महीना थे प्रैक्टिस करो स्केचिंग की, ड्राइंग की, भी बाद में जो थारो काम करने का तरीको वो बदल जाएगा, और जो थारे ड्राइंग के अंदर सफाई है, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर जो एक जिना पका भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा काम में सफाई दिखने ला जाएगी। तो बस जद ही आवे जते प्रैक्टिस करोगा। आज जो ड्राइंग है आ बिल्कुल नॉर्मल कलर, सस्ता कलर, जो टाबर बहुत आसानी ले सके, ठीक है, मोमिया कलर जिन बोल रहे हैं, वैक्स कलर जो है, ठीक है, थाने बड़ा रंग हाथ गालने की जरूरत कोनी की माने शुरुआत में 1000 रुपये का कलर लेने हैं, 500 का लेने हैं, बातचीत थाने कौन रखनी, ठीक है। तो थे जो नॉर्मल कलर हुआ हूँ भी शुरुआत कर सको, ठीक है। तो धीरे धीरे देख सको जो अपनो पेड़ है, पेड़ को जो ऊपर को भाग हुआ है जटा पत्ता हुआ है वो बिल्कुल फिनिशिंग दिखने लाग रही है, बिल्कुल 3D इफेक्ट आने लाग रही है। अब मन क्या करना है, मैं जो पेड़ है चारों तरफ थोड़ा सो नीले रंगो जो प्रयोग है यूज़ है वो करूँगा, क्योंकि जो अपना आकाश हुआ है
जो अपनो आसमान हुए वो थोड़ा सा अपने नीले रंगो दिखाई देवे। तो बातचीत दिखाने खातर मैं और नीला रंग प्रयोग करूँगा, ठीक है। तो थाना अगर कलरफुल बनाना तो थे कोई भी कलर यूज़ कर सको, ठीक है। तो पेड़ के पीछे वो थोड़ा सा आसमान वो इफेक्ट दिखेगा ताकि पेड़ अपन बिल्कुल यहाँ लगे कि वो सामने रखे हुए हैं, ठीक है। अगर थाने मेरा पेड़ बनाने का तरीको सही लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो। वो अपन धीरे धीरे जो अपना पेड़ है बिंगी बैकग्राउंड है जो पिछलो हिस्सों है वो अपन कंप्लीट करने लग रहे हैं, ठीक है। तो तेई हिसाब कोई भी पेड़ बना सको, कोई भी चीज़ ई हिसाब थे तैयार कर सको। थाने कोई ज़रूरत कोनी भी बहुत ज़्यादा महंगा रंग लेना है, महंगी पेंसिल लेनी है। मैं हर वीडियो में आई बात कहूँ कि भी जितनी हो सके शुरुआत के अंदर थे सस्ती चीज़ों भी शुरुआत कर सको। कई टाबर हिसाब है जो मतलब 400 रंग भी ले सके, कई टाबर हिसाब है जो शायद 10 रुपया भी कलर ना ले सके क्योंकि वहाँ जो घर का हालात हुआ है वह भी हिसाब ही हुआ है। पर बन ड्राइंग करनी है, बन शुरुआत करनी है तो वह बिल्कुल मतलब जिनके इसका आप भी जमा ही कम रेट का कम पीसा ही चीज़ों भी शुरुआत कर सके, स्केचिंग कर सके, सारी चीज़ें कर सके। तो यही मेरी वीडियो के साथ जुड़िया रही हो, मेरे साथ जुड़िया रही हो, मेरे चैनल ने सपोर्ट करता रही हो, ठीक है, ताकि मैं नई नई वीडियो बना सकूं। अब थे देख सको जो अपना पेड़ हो वो पूरी तरह तैयार है। इन अंदर मैं थोड़ी हाईलाइट दूँगा, भी खातर मैं थोड़ा सा इरेजर यूज़ करूँगा, कटे कटे आप इन मिटवाऊँगा। मिटवाने के बाद में अपना जो लाइट को इफेक्ट आएगा, लाइट दिखेगी वह बिल्कुल सही दिखेगी प्रॉपर तरीक़े। देखो अब वो थाने ये लगेगा को कि भी वो पेड़ खटू उठेड़ हुए है, खटू बैठेड़ हुए है, सिर्फ हल्के गहरे रंगों में प्रयोग हो। तो मेरी वीडियो देखने खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। थाना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो। और आने वाले टाइम में मैं यूँ भी बढ़िया वीडियो तेरे सामने ले गया आऊँगा, जी हाँ। पोर्ट्रेट कुकर बनाना है, पेंटिंग कुकर बनवानी है, पर शुरुआत में अपन यही सीखनी पड़ेगी। तो वीडियो देखने का तरह सारा बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरे चैनल के साथ गए, मेरे साथ जुड़े रहियो, मैंने सपोर्ट करता रहियो।